हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियो अबाउट फायरवॉल रॉक सिस्टम ऑफ USTC. टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू अबाउट इनपुट मॉड्यूल देन आउटपुट मॉड्यूल. ओके, हाउ टू वर्क मॉड्यूल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉड्यूल, वेयर इज द कनेक्शन मॉड्यूल. आई विल गिव फुल इंफॉर्मेशन. प्लीज डोंट स्किप द video till the end. Okay, I will show you. Okay, this is a Sega CR. Here writing Sega CR, see Sega CR node. This is output relay. This is a CT1. This is one single CT1, single modules, single input module. This is dual input module. This is a CC1. CC1, okay. I will explain to you one by one, okay. एक करके मैं आप लोगों को explain करता हूँ इसका पूरा का बारे में, इसका काम क्या है और किधर कनेक्शन होता है और इसका एड्रेस कितना है. LED है, LED कब एक्टिवेट होता है उसका बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ. आप लोग को ध्यान से देखिए, ड्राइंग बना के बता देता हूँ आप लोग को वन बाई वन. ओके, देखिए फर्स्ट सिंगल इनपुट मॉड्यूल. सिंगल इनपुट मॉड्यूल मीन्स CT1. ये है CT1 में इसका एड्रेस ये है, बारकोड नंबर है. इसमें टर्मिनेशन पॉइंट 4 आएगा. लूप का केबल किधर कनेक्शन करने का, इधर 1, 2, 3, 4 में. और ये दो एलईडी इसमें है, दो एलईडी इसमें होता है. और इसमें सिंगल इनपुट मॉड्यूल बोलेगा तो एक ही टर्मिनेशन पॉइंट होएगा इसमें, न्यूट्रल फेस टर्मिनेशन पॉइंट. इसका लूप कनेक्शन बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है, जो इसमें एक नंबर माइनस, दो नंबर प्लस, तीन नंबर माइनस, चार नंबर प्लस. एक रूल्स होता है, एक टर्मिनेशन का रूल्स होता है पूरा जगह. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल के लिए ये एक CC1 का देखे, ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बोल के ऐसे लिखा हुआ था. लेकिन आदमी लोग कन्फ्यूज हो जाता है किधर कनेक्शन प्लस करने का, किधर माइनस कनेक्शन करने का, इनका केबल किधर कनेक्शन करना है, आउट केबल किधर कनेक्शन करना. एक रूल्स है इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक रूल्स है जोर में प्लस, बिजोर में माइनस. बोलेगा तो एक नंबर में प्लस, दो नंबर माइनस, तीन नंबर एक नंबर में माइनस, दो नंबर प्लस, तीन नंबर में माइनस, चार नंबर प्लस. अगर 5, 6, 7, 8 होएगा भी, 5 नंबर में माइनस, 6 नंबर में प्लस, 7 नंबर में माइनस, 8 नंबर में प्लस. जैसा कि बिजोर एक बिजोर है तो जोर है, दो जोर है, 2, 4, 6, 8 में प्लस प्लस कनेक्शन होते जाता है. 1, 3, 5, 7 में माइनस माइनस कनेक्शन होते जाता है. ओके, अगर ये लूप का केबल इसमें ये 3, 4 से इन होता है और 1, 2 से आउट होता है. लूप इन 3, 4 से होता है, 1, 2 से आउट होता है. इसमें दो एलईडी में एक नॉर्मल का टाइम में ब्लिंकिंग होता है ग्रीन, और एक एलईडी है ट्रैवल में प्रोग्राम है तो आउटपुट सिग्नल मिलेगा तो ये येलो लाइट ब्लिंकिंग ट्रैवल आया है. अगर फायर में प्रोग्राम है तो ये मॉड्यूल फायर में प्रोग्राम है तो आउटपुट में सिग्नल मिलने के बाद ये रेड ब्लिंकिंग होता है और अलार्म देता है, पैनल में सिग्नल देता है. इसका बारकोड एड्रेस यही है. ओके, ये किधर किधर यूज होता है, इधर में लिखा है यूज फॉर मॉनिटरिंग के लिए, सिग्नल के लिए. पंप रूम में कनेक्शन होता है, MCC पैनल में कनेक्शन होता है, जनरेटर में कनेक्शन होता है, FM 200 में कनेक्शन होता है, FPS पैनल में कनेक्शन होता है. कैसे इसका कनेक्शन होता है, अगर पंप रूम में कनेक्शन करने का है तो उसमें तीन ऑप्शन होता है कनेक्शन का, एक नॉन ऑटो ऑप्शन, दो पावर फेलर ऑप्शन, तीन है रनिंग स्टेटस. ओके, अगर उसमें उसका
पंप रूम का पंप इलेक्ट्रिकल पंप का कंट्रोलर में तीन ऑप्शन होएगा, उसमें इनबिल्ट रिले होएगा, वो यान ओ में होएगा, हमेशा यान ओ में होता है, यान ओ में। अगर यान ओ में तीन रिले से एक रिले, अगर पावर ऑफ का रिले होता है, वो पावर ऑफ होने का टाइम एनसी हो जाता है, पावर ऑन होने का टाइम एन ओ हो जाता है। अगर कोई आदमी पावर ऑफ कर दिया तो वो एनसी हो जाता है, एनसी हो के इसमें क्लोज सर्किट मिल जाता है, इधर से दो केबल कनेक्शन करेगा उधर, और पावर ऑफ है तो वो क्लोज सर्किट में आता है, कंटिन्यूटी आता है, इसमें कंटिन्यूटी मिलेगा तो इसमें सिग्नल देगा, इसमें ट्रैवल में है तो येलो लाइट जलेगा, फायर में है तो रेड लाइट जलेगा, अगर ट्रैवल में येलो लाइट जलेगा, ये फायर अलार्म पैनल तक सिग्नल देगा। समझने का, सुपरवाइजर ट्रैवल उधर आएगा तो ये पंप में ऑफ है या ऑटो में है क्या है, पूरा सिग्नल ऐसे मालूम पड़ेगा। अगर फायर का भी करने का है तो फायर जब रनिंग फायर में प्रोग्राम है तो रनिंग स्टार्टर फायर में प्रोग्राम होता है, अगर मोटर रनिंग का टाइम में ओनली उसका इनबिल्ट रिले में क्लोज सर्किट मिलेगा, ओनली रनिंग का टाइम में, रनिंग नहीं होने का टाइम नॉर्मल टाइम में वो ओपन में सिग्नल मिलेगा, रनिंग होने का टाइम में क्लोज में सिग्नल मिलेगा, वो क्लोज इधर सिग्नल मिलने के बाद ये फायर सिग्नल देता है फायर कमांड रूम के लिए। इसमें रेसिस्टेंस एंड ऑफ लाइन रेसिस्टेंस होता है, इसको इधर से ये नीचे इसमें लूप का केबल कनेक्शन करता है, इसको बोलता है क्लास ए वायरिंग, इधर पीछे आउटपुट में होता है ये सिग्नल लेता है, इसलिए इनपुट मॉड्यूल बोलता है, सिग्नल लेता है पंप रूम से सिग्नल लिया इसलिए इसको इनपुट मॉड्यूल बोलता है। इसमें रेसिस्टेंस यूज करता है 46 ओम का, 46-47 ओम का रेसिस्टेंस यूज करता है, इसको बोलता है क्लास बी वायरिंग, ये सेकेंडरी वायरिंग हो गया, ये है क्लास ए वायरिंग, ये इधर से इधर होता है सेकेंडरी वायरिंग में, क्लास बी का वायरिंग हो जाता है। सेम सीगा सी टी टू का भी फंक्शन होता है, सीगा सी टी वन में एक ही टर्मिनेशन पॉइंट होता है, सीगा सी टी टू में दो टर्मिनेशन पॉइंट होता है, ये देखें ये है सीगा सी टी टू, ये दो टर्मिनेशन पॉइंट होता है, ये 5, 6, 7, 8 दोनों ओपन में होता है, ये पूरा ओपन में हो जाता है, ओनली सिग्नल मिलने के बाद ये पैनल में सिग्नल देता है, इसलिए इसको ये डुअल इनपुट मॉड्यूल बोलता है, इसको सिंगल इनपुट मॉड्यूल बोलता है। इसका मॉडल नंबर है सी टी टू, इसका मॉडल नंबर है सी टी वन क्योंकि एक ही टर्मिनेशन पॉइंट, सी टी टू क्योंकि दो टर्मिनेशन पॉइंट है, ऐसे करके ये इनपुट सीट मॉडल को समझ सकते हैं। ओके, और ये आ गया ये कंट्रोल रिले, कंट्रोल रिले, ओके कंट्रोल रिले ये वाला देखिए, ये भी लूप का केबल सेम कनेक्शन होता है, 1, 2, 3, 4 में, 1 में माइनस, 2 में प्लस, 3 में माइनस, 4 में प्लस होता है, एक साइड में ये लूप इन और लूप आउट होता है, एलईडी सेम है। अगर ये नॉर्मल ब्लिंकिंग करने का है ग्रीन ब्लिंक होता है, और ट्रैवल में कुछ आउटपुट सिग्नल देने का है, इधर फायर आने के बाद ये रिले एक्टिव हो जाता है तो इसमें येलो लाइट ब्लिंकिंग करेगा, येलो लाइट रेड लाइट ब्लिंकिंग करेगा, इसमें तब समझने का ये ब्लिंकिंग रेड लाइट में है तो ये सिग्नल दे दिया आउटसाइड में, आउटपुट सिग्नल, इसको आउटपुट रिले बोलता है, पहला वाला इनपुट मॉड्यूल, ये आउटपुट मॉड्यूल है, रिले मॉड्यूल वही सी आर मॉड्यूल कंट्रोल रिले है, ये ऐसे बोलता है। इसके लिए अब ये कौन सा किधर किधर यूज होता है, ये मैं इधर लिखा है यूजिंग फॉर कमांड, ओके एमसीसी पैनल में और पब्लिक एड्रेस में, एक्सेस कंट्रोल में, कंट्रोल डोर में, स्लाइडिंग डोर में, लिफ्ट में, एचयू में, एग्जस्ट फैन, मेका फैन, पूरा जगह में, डैम्पर, पूरा जगह में ए का, इस ए रिले का यूज हो जाता है, ए रिले का यूज हो जाता है। अगर नॉर्मली क्या होता है, अगर लिफ्ट में शट डाउन, लिफ्ट शट डाउन के लिए ए यूज करें, फायर आने के बाद लिफ्ट शट डाउन होना चाहिए बोल के इसमें यूज करेगा ना, ये लिफ्ट शट डाउन करके देता है और नीचे ओपन ग्राउंड फ्लोर पर आके ओपन हो जाता है लिफ्ट। ओके, नॉर्मली लिफ्ट का फंक्शन क्या होता है, लिफ्ट का अंदर पावर नहीं है तो ऑटोमेटिक आके ग्राउंड फ्लोर में ओपन होके बैठने का है, लिफ्ट का फंक्शन है, वही फंक्शन को फायर का थ्रू
यूज कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग में फायर अलार्म आया है तो वो जो उसका लिफ्ट का कॉन्ट्रैक्टर जो जिधर से वोल्टेज जाके लिफ्ट का कॉन्ट्रैक्टर यूज किया है शट डाउन के लिए, वो कॉन्ट्रैक्टर को ये रिले थ्रो सप्लाई देगा। अगर ये 5678 है, 6 7 8 इसमें होता है, 6 7 नॉर्मल क्लोज में होता है और 7 8 है नॉर्मली ओपन है। अगर लिफ्ट शट डाउन के लिए यूज करने का तो नॉर्मली ओपन में कंडीशन करेगा, इधर नॉर्मली ओपन करेगा तो लिफ्ट नॉर्मली चालू होने का। अगर ये फायर आएगा तो ये रिले एक्टिव हो जाता है, जो नॉर्मली ओपन होगा नॉर्मली क्लोज में होता है, सिग्नल मिलेगा इसको, इसको सिग्नल मिलने के बाद उसका ट्रिप हो जाता है, उसका कंट्रोलर ट्रिप हो जाता है, ट्रिप होएगा तो सप्लाई जाएगा, सप्लाई जाने के बाद वो ऑटोमेटिक नीचे आके ओपन हो जाता है लिफ्ट। ऐसे ही करके एचयूवी शट डाउन करने का, फायर आने के टाइम एचयूवी शट डाउन होता है, शट ऑफ करने का एचयूवी का। एचयूवी कौन सा कंट्रोलर से एचयूवी चालू है, वो कंट्रोलर में 24 वोल्ट एसी से उसका कॉन्ट्रैक्टर चालू होता है, वो 24 वोल्ट एसी रिले थोड़ा देना चाहिए, रिले थोड़ा नॉर्मली ओपन में देगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर से एसी चालू होता है। और अगर फायर आएगा बिल्डिंग में, वो फायर आने के बाद इसमें क्लोज सर्किट मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर ट्रिप हो जाता है, ट्रिप का मतलब ऑफ हो जाता है, ऑफ होने के बाद वो एचयूवी ऑफ हो जाता है, इसलिए एचयूवी का भी ऐसे करके कनेक्शन दे सकते हैं। ओके, इसलिए इसको कंट्रोल रिले बोलता है, बहुत सारा को ये दे सकता है, एचयूवी का लिफ्ट का एडजस्ट फैन एक्सेस डोर स्लाइडिंग डोर पूरा जगह इसका यूज कर सकता है कंट्रोल रिले का, डैम्पर में भी कर सकता है। ओके, और एक आइया ए सी सी वन इधर मैंने बनाया है सी सी वन, देखो इसमें कितना टर्मिनेशन पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये 9 10 होता है ऐसे। लुक का केबल किधर कनेक्शन है वो समझ गया आप लोग, 1 2 3 4 में लुक का केबल कनेक्शन है, और 5 6 7 8 में अगर ए सी सी वन फायर टेलीफोन के लिए यूज कर रहा है तो पैनल से राइजर केबल जाएगा, ए सी सी वन टू सी सी वन लूपिंग करेगा, ये वो राइजर केबल को इधर राइजर केबल कनेक्शन करेगा, इधर से दूसरा सी सी वन में देगा, एक सी सी वन में फायर टेलीफोन में एक टेलीफोन में एक सी सी वन यूज होता है। और ओके, इसमें 24 वोल्ट आ जाता है, वो इसमें इसका राइजर केबल कनेक्शन हो जाता है, अगर ये आउटपुट से टेलीफोन जैक में कनेक्शन देता है, पूरा स्टार केस का पास किधर टेलीफोन जैक लगा हुआ है वो स्टार केस, वो टेलीफोन का दो केबल आके इसमें कनेक्शन हो जाता है, इसमें 47 का रेसिस्टेंस लगता है। ओके, इसमें टेलीफोन का जैक होता है, इसमें राइजर केबल पैनल से गया हुआ राइजर केबल कनेक्शन होता है, अगर वो ये नॉर्मली ओपन में होता है, ये नॉर्मली ओपन क्लास भी वायरिंग नॉर्मली ओपन हो जाता है, अगर कोई आदमी जैक में जैक कनेक्शन करेगा, टेलीफोन का जैक कनेक्शन करने के बाद एक क्लोज सर्किट मिलेगा इसको, ये क्लोज सर्किट मिलेगा तो फायर अलार्म पैनल में सिग्नल देता है, ये फायर अलार्म पैनल सिग्नल जाता है, ये वाला स्टार के टेलीफोन आ रहा है बल्कि उधर से पिकअप करेगा तो वोल्टेज इसको ये वोल्टेज देगा, उसके बाद कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ऐसे करके सी सी वन यूज करेगा फायर टेलीफोन के लिए। ये साउंडर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये क्या करता है, ये लूप का केबल इधर कनेक्शन करता है, साउंडर का एपीएस पैनल से 24 वोल्ट इधर से देगा, इधर देगा तो ये साउंडर का आउटपुट जितना भी 5 7 साउंडर इस आउटपुट लूपिंग करके कनेक्शन करने का, कनेक्शन करने का लास्ट में एंड ऑफ लाइन रेजिस्टेंस डालने का, डालने का। अगर अलार्म आएगा ये वाला रिले एक्टिवेट होएगा, इधर से एक्टिवेट होने के बाद इधर से 24 वोल्ट इसमें आता है, अलार्म आने के एक्टिवेट होने के बाद ही 24 वोल्ट इसमें आ जाता है और साउंडर बजने के लिए स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही करके साउंडर का लिए भी ए सी सी वन यूज कर सकते हैं, ऐसा है का ये डिवाइस काम करने का फंक्शन ऐसा है। ओके, थैंक यू।